हाय गाइस, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आज नया साल है, तो आपको सबको नए साल की मतलब मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो आज बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं माज सफदार का एक ब्लॉग है, उन्होंने बनाया 6 मंथ की मेहनत इन सीज़न 4 गेम शो के बारे में माज का एक ब्लॉग है। तो ये उन्हीं के चैनल पर अपलोड हुआ है, तो वही वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। इधर तो आओ, तो सबको पहले ही बोलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और आप लोग को खुशामदीद है मेरी YouTube वीडियो के अंदर। बोलो, आप लोग को नहीं खुशामदीद है मेरी YouTube की वीडियो के अंदर। अबे मजाक करने को नहीं बोला, व्लॉग करने को बोला है। अच्छा तो सुनो, आज है मेरा मैच और तुम जा रही हो ट्यूशन और मेरा है फाइनल। तो फिर बताओ भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा? मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे। बहुत उम्मीद है, दुआ दे रही हो? बहुत दुआ है मेरी। और ट्यूशन में भी तुमने पढ़ना कम है, दुआएं ज्यादा देनी है, ठीक है? दुआएं दोगी? दूंगी। बस सही है, चलो बाय 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 बाय, निकल निकल भाग भाग जा। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा नहीं जाओ नहीं जाओ, मजाक कर रहा हूँ। अबे अबे पैदल कहाँ जा रही? तो कौन जीतेगा आज? इंशाल्लाह जीतेंगे। ओह थैंक यू सो मच आमीन। हम ये कर ले, दुआ दे दे। आमीन, थैंक यू सो मच मॉम, बाय, अल्लाह हाफिज। आमीन। क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ ये हारे हुए टिकटॉक, नहीं नहीं हारे हुए, आगे की बात कर दी मैंने टिकटॉकर्स की, लेकिन अभी यूट्यूबर्स आ रहे हैं। खैर हो गई यार अभी का। अच्छा चलो, खुशी मतलब खुशी में मेकअप हो रहा है। हाँ। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। क्या ख्याल है आपके आज के? इधर देखिए, अल्लाह मालिक है आपका, वो तो हमेशा ही होता है। इंशाल्लाह आज भी हो जाएगा, आज भी हो जाएगा। ब्लॉग ये जीतने के हारने जीतने के बाद डलेगा, ये पता है। तो खैर है, तो खैर है, जब तुम हार जाओगे तो फिर बात करते। ये ब्लॉग में डलेगा। और मैं गेम शो के सेट पर मौजूद हूँ अभी, बस फाइनल की सजावट दिख रही होगी, दूर से ही दिख रही है। ये देखो सारे गुब्बारे शुब्बारे बलून फलून सब लगा दिया, एक ही बात है। और ये पार्टी पॉपर का वो बड़ी मशीन रखी हुई है भाई जान, यहाँ से इतने सारे पार्टी पॉपर निकलेंगे ना, क्या बताएं। बस आज है मैच टिकटॉकर और इंस्टाग्राम का फाइनल, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर प्रोड्यूसर शहरोज भाई और शहरोज आरिफ। अब मुझे ये बताएं कि आज की सिचुएशन के मुताबिक जो ख़तरनाक टीम्स हैं दो, तो कैसा मैच होने वाला है और क्या मतलब प्लानिंग है आप लोगों की जो टीम होती है पूरी? मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिवायती बात है, वाकई 50-50 है, 50-50 चांस है, क्योंकि दोनों टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, बासित और मास जीत के लिए कुछ भी कर जाएंगे, लारेब और शहस इतनी आराम से जीतने नहीं देंगे। यही तो बात है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही। तुम बताओ तुम्हारे क्या फीलिंग्स अंदर से, क्या फीलिंग? मेरी फीलिंग्स तो तुम्हारा दिल क्या कर रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, बताओ। मैं तो बहुत ही डर रहा हूँ बस, ये तो बस आप लोग को मैच में पता लगेगा। मेरे आंखों में ना अभी से जीत का मतलब या हारने के ना आंसू आ गए, मैं क्या बताऊंगा, जीतने के आ गए हारने के आ गए, दोनों के आ जाते हैं ना यार। देखो फीलिंग्स देखो तू, के वो भी खेलने ही आए हुए शरोज भाई, वो भी मजाक करने नहीं आए हुए। अब उनकी टीम भी पक्की है और हमारी टीम भी पक्की, बट ये है कि जो मेहनत करेगा जो अच्छा खेलेगा ऑब्वियसली वो जीतेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैच बहुत टफ होगा, बस इतना वन साइड ऐसे नहीं होगा, वन साइडेड नहीं होगा। आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई किसी की प्रेडिक्शन ये नहीं हो सकती कि कोई वन साइडेड होगा या कोई टीम फेवरेट है। टीम फेवरेट हो सकती है, बट ये है कि इतना आसान नहीं होगा, ये लोग हारेंगे नहीं और वो लोग जीतने नहीं देंगे इतनी आराम से, बहुत ही खतरनाक सो मच, खतरनाक। बस ये हक कर लें पहले, मैच से पहले का हक है ये, मैच से पहले का हक है। क्या पता फिर हार मतलब कि आगे सीन में फिर मैं रो कर हक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। ये मैच से पहले की प्रेडिक्शन है मास की, मास की अपनी प्रेडिक्शन है मैच से पहले की, और ये ब्लॉग में मैं डालूंगा अगर मैं हारा है जीता अगर इसमें नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो इतनी मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी देखते हैं नसीब है। अभी ब्रेक हो चुका है, दूसरा ब्रेक मतलब लास्ट ब्रेक है, और हम टिकटॉकर से काफी आगे, मतलब सात, काफी नहीं कितने पॉइंट्स, छह पॉइंट्स आगे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी बाजी है, कुछ नहीं पता बाजी कब पलटे कब नहीं पलटे, एक घंटा भी रहता है। तो यार अल्लाह साथ देना मेरा, और ये ब्लॉग
हारने या जीतने से पहले ही बन रहा है, तो बस मेरी फीलिंग्स देख सकते हैं, मैं थोड़ा खुश हूँ। अब पता नहीं है बाद में क्या होता है, मेरी जान भी खुश है इंशाल्लाह। मास के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है ना, छोटा भाई है, और हम लोग स्टार्ट से मैं आया था, हम लोग ये सोच के आए थे, मैंने इसको बोला था मास यार इस बार कुछ भी हो मुझे चाहिए, इंस्टाग्राम पर पिछले बार हार गए थे और इस बार हमारे साथ मास भी आ गया, हमारा टीम चेंज हो गया। फिर मास को मैंने बोला जानी हम लोग अभी चेंज हो गए, अभी हम लोग को कुछ भी हो जीतना है, इसने बोला बस तू भी मेहनत करना मैं पूरी मेहनत करूंगा। और आखिर अबे अल्लाह सारे आ गए, मुझे अगवा कर रहे हैं, हार जाऊं ताकि मैं ये देखो ये प्रोड्यूसर नहीं नहीं छोटू मेरा भाई मेरे साथ, और हम दोनों बहुत टक्कर का मैच चल रहा है हम दोनों का आपस में, और दोनों ही बहुत प्रो हैं, और साथ दोनों टीमें बहुत प्रो हैं यार, किसी को कुछ नहीं पता कब बाजी पलट जाए कब नहीं पलट जाए, बस ये सीन है। बेस्ट ऑफ लक। और ये जैसे कि आप टेंशन देख सकते हैं कितने मेरा डाउट है, जहाँ पता नहीं क्या पता नहीं सर्दी लग रही है इसको तो पता नहीं। चल मेरे भाई कर दे चटाई, ले ले बदला मेरा, बदला ले मास, बदला ले। और आई गिव यू
ये जीत गए, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू यार इमरान भाई, बहुत खुश हुई, आए हाय हाय इंस्टाग्राम में ले गए फाइनल, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए कुरान जीत गए। हाँ भाई क्या रिएक्शन है बेटा आपकी, बदला मतलब सब बराबर, ओके थैंक यू सो मच माहिन यार, बहुत खुशी हो रही है, और बस मजा आया ना, मजा आया बहुत बहुत मजा आया। देखो जब तू ये सीजन बता हुसैन ये आया था पहले, अब मैं इसकी पूरी जर्नी बता रहा हूँ। इसको बोला तेरी टीम में महाज है, इसने बोला मुझे नहीं चाहिए, इसने बोला मुझे महाज चाहिए ही नहीं, दो तीन मैच हुए उसके बाद बोलता हाँ तू ही चाहिए, सर इसने मुझे मना कर दिया टीम में लेने से पहले, किसने बासित ने पहले मना कर दिया था, तुम क्या कर रहे हो सर, मना तो नहीं किया था, शुरू में ये जरूर हुआ था, इनके फैंस जो थे वो बहुत सारे बोल रहे थे कि ये बच्ची वाकई यार इसको चेंज कर दिया जाए, नहीं नहीं इसने भी सर बहुत किया, मजा आ गया, लोगों ने बहुत अच्छा खेला, वेल डिजर्व इट, शाबाश, थैंक यू सो मच। बाकी बासित तो फिर अब लव है ना, मना कर दिया खैर हो गई, लेकिन अब तो जान आगे आगे मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और बताते थे मास इस तरह खेलना है इस तरह नहीं खेलना, मतलब कि भाइयों की तरह इन्होंने ट्रीट किया मुझे, और आज मैं जीत गया हूँ 5 महीने बाद फाइनल, और काशिफ भाई मेरे साथ है और अभी और भी साथ होंगे आगे भी, तो काशिफ भाई आपको मेरे लिए क्या विशेष है आपको, थैंक यू मेहनत थी बहुत एफर्ट, बहुत तुम लोगों की बड़ी एफर्ट थी, दोनों का बराबर का मुकाबला, बिल्कुल अब जिसकी ज्यादा एफर्ट होगी वो जीत गया है यार, बस दिल भी जीत लिए और गेम भी जीत गए, हाँ 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 क्या बात है, यार बहुत रश है यार और सब प्यार करने वाले, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बदला हो गया ना हुसैन, खुश थोड़ा खुश, बस यार मैंने कल बात की थी कल ब्लॉग के अंदर, ये मैं इतना थैंक यू यार, बस यार मुझे लेने आई है भाई, पहले क्या रिएक्शन है आपके, बहुत अच्छे रिएक्शन है, बहुत खुशी भी हो रहा, जीत गए, ये भाई जीत गया, आपने दुआ की थी, थैंक यू सो मच मॉम, अच्छा मॉम आपको आपको इतना पसंद आया कि दोबारा मेरा मैच देख रही हो, अच्छा मॉम कैसा खेला, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला, अरे थैंक यू मॉम, दुआएं थी आपकी, हाँ इंशाल्लाह मैंने बहुत दुआएं करी, मैं दुरूद पढ़ रही थी, अरे मॉम थैंक यू मॉम, पापा कैसा लगा आपको जीतकर, बहुत अच्छा लगा, बस ये है वो बैंड जिसके लिए मैंने 5 महीनों से मेहनत की है और मैंने इंतजार और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन अगर हुसैन हुआ तो हुसैन लाजमी जीतेगा, लाजमी जीतेगा, मैंने भी देखी है और सब सही है, बिल्कुल बस ये बैंड जो है ना खुशी खुश खुश करती है इंसान को बहुत, और तो ब्लॉग को लाइक करें, इतनी मेहनत मैंने यूट्यूब पे भी की और गेम्स में भी की और गेम शो में भी की और मुझे उसका फल भी बहुत मिला है, बहुत मिला है, थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार है और आपका भाई जीत गया है, आपकी बहुत सारी विशेस थी आई नो, बहुत सारे लोगों की दुआएं थी और इतनी क्या किया आप लोगों ने किया होगा मेरे लिए और मेरी टीम्स के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, ब्लॉग को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको सब्सक्राइब बहुत सारे सब्सक्राइब्स करना, आपको यार सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर और ख्याल रखना, बाय बाय। तो गाइस ये थी वीडियो और वैसे तो वीडियो बहुत ही कमाल की थी, हालांकि मुझे मतलब ये पता नहीं था कि मतलब इस तरीके से मतलब ये गेम, हालांकि मुझे तो थोड़ा नॉलेज भी था इस बारे में क्योंकि मैं पहले कई और मतलब गेम शो पर रिएक्शन दे चुका हूँ, पर मेरे भैया को नहीं पता था, मतलब इन्होंने शायद इन्होंने माज को ही पहली बार देखा है इन्होंने, तो इनको तो बिल्कुल मतलब आइडिया ही नहीं था कि इसमें मतलब क्या होने वाला है, मतलब बहुत ही मतलब मुझे तो आइडिया भी था कि मतलब इस किस टाइप का ये होने वाला है गेम वगैरह, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा मतलब टाइम लगा उसको समझने में क्योंकि वो आवाज़ सही नहीं आ रही थी क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग वगैरह हुई इस कारण से,
बाकी मुझे बहुत सारे कंटेस्टेंट को मैं जानता था इसमें जो भी थे, पर इनको तो मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या था कौन था। जैसे कि उसमें हुसैन था, मतलब सारे ही, सबसे पहले तो इनको बता दो कि सारे ही जो है वो ये टिकटॉकर्स थे, और बाकी ये मैच मतलब डिवाइड हो गया होगा वो इंस्टाग्राम वालों और टिकटॉक के बीच में, और भी होंगे मुझे और नहीं पता, इतना जो मैच था वो यही था। और जहाँ तक हम दोनों गैस कर पा रहे हैं कि इसमें मतलब हुआ क्या था, वो कोई मतलब एक बॉक्स बुलवाते थे गैसिंग में, और उसमें जो निकलता था उस टाइप में कुछ था मतलब, पर उसके अंदर जो भी कुछ मतलब होगा उनका क्राइटेरिया कि ये निकलेगा तो जीत जाओगे आप, ऐसा ही मतलब हम लोगों को तो यही समझ में आया। तो गाइस बेसिकली वीडियो तो मतलब बहुत ही कमाल की थी, और गेम शो हर बार की तरह मतलब कमाल होता ही है। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं देखा रही हूँ गेम शो के बारे में, मतलब क्या अपडेट थी मुझे, आज ही मैंने मतलब इस वीडियो पर रिएक्शन दिया। तो मतलब वीडियो के बारे में और अगर बोलूं तो मास्क तो हर बार की तरह कमाल के थे ही, और सबसे अच्छा अगर मैं बोलूं तो वो जो मास्क की साइड जो छोटी सिस्टर थी जो वो बड़ी क्यूट थी यार, बहुत ही क्यूट थी वो, और उनकी मम्मी भी बड़ी प्यारी थी, और उनका उसका घर मुझे बड़ा कमाल का लग रहा था, मास का घर। और भाई हो गई यार, पैसे वाले लोग हैं तो मतलब उस हिसाब से, पर हाँ काफ़ी डाउन टू अर्थ भी मतलब है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है उनमें कि बड़े हैं तो भाई वो अलग, तो वो काफ़ी अच्छा था ब्लॉग था। और इसमें मेरी जो फेवरेट हैं शहताज वो मुझे दिखी, मुझे पता नहीं कि वो अरी का हक वगैरह और कई लोग नहीं दिखते हैं, आप लोग बताना, जैसे हसन आबिद हो गए ये लोग मुझे दिख नहीं पाते हैं, तो आप लोग बताना कि ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका क्या रीज़न है। बाकी जो भी अगर आप कोई वीडियो हो तो आप प्लीज़ कमेंट में सजेशन ज़रूर देना हम लोगों को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिएक्शन देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छे लगा हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।